हेलो दोस्तों, आज हम बात करने उत्तराखंड की भर्ती के संबंध में एक न्यू अपडेट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में यहाँ पर जो वैकेंसी आपकी आई हुई थी 400 के करीबन पोस्ट जिसमें थी, मेरे ख्याल से यहाँ पर 423 के करीबन था, उसका यहाँ पर जो है ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर आ चुका है। और इसमें जो है कई लोगों को यहाँ पर नियुक्ति दे दी गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है उनका क्या होने वाला है, इसके संदर्भ में हम बात करेंगे, क्योंकि ऑफिशियल न्यू अपडेट यहाँ पर जारी हो चुका है जिसके संदर्भ में बताया गया है। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर क्या कहा गया इसके संदर्भ में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आदेश सचिव सहकारिता पशुपालन मत्स्य कृषि एवं कृषक कल्याण खनन एवं डेयरी माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई थी आपकी 29 मार्च 2022 के संदर्भ में, यहाँ पर जो है कहा गया है कि निर्देशों के आधार पर जो है क्रम जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के यानी कि आपके ग्रुप डी पदों पर जो यहाँ पर भर्ती की जा रही है। और भर्ती की गई जो यहाँ पर तत्काल प्रभाव से यहाँ पर रोक लगाई गई है, तथा यहाँ पर निर्देश किया गया है कि अग्रिम आदेशों तक जो है किसी भी प्रकार की जो कर्मी है उनका जो है कार्यभार ग्रहण ना किया जाए। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि उनकी जो यहाँ पर नियुक्ति है वो अब यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि भर्ती में काफ़ी बड़ा घोटाला यहाँ पर हो चुका है। तो इसी वजह से जिनकी रिजल्ट जारी हो चुका था, 3 डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पर देहरादून पिथौरागढ़ और ऊधम सिंह नगर निकाल सकते, 3 मेनली वहाँ पर जो है रिजल्ट जारी हो चुका था। तो फाइनली जो है अब यहाँ पर जो है उन सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्ति नहीं मिलेगी जिनका यहाँ पर जो है सिलेक्शन हुआ था। लगभग जो है 423 की पोस्ट करीबन थे उत्तराखंड के पूरे ऑल उत्तराखंड में। अब जिनका यहाँ पर नियुक्ति होना था उनको अभी फिलहाल वेट करना पड़ेगा जब तक कि अगले आदेश यहाँ पर जारी ना हो जाए। और अगले आदेश तक क्या होगा क्या नहीं कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी मामला काफ़ी गंभीर हो चुका है, क्योंकि घोटाले के मामले में यहाँ पर दोबारा से लगातार जो है दोबारा से यहाँ पर हुई है, क्योंकि पहले भी घोटाले को लेकर मामला गरमाया हुआ था। और फिर से यहाँ पर जो है नया अपडेट यहाँ पर आ चुका है कि फिर से घोटाला हो रखा है। और ऐसे में यहाँ पर जो है जिनकी नियुक्ति जारी करी थी उनकी नियुक्ति अब नहीं होगी। जिनका रिजल्ट नहीं आया था उनको तो आएगा नहीं, जिनका आ चुका था उनको यहाँ पर रोक दिया गया है, उनकी नियुक्ति रोक देगी। साफ साफ देखते हैं इसका जो ऑफिशियल अपडेट है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आप लोग देखते हैं कि जो ऑफिशियल अपडेट है आपका आलोक कुमार पांडे जो निबंधक हैं सहकारी समिति के, उनके द्वारा यहाँ पर आदेश जारी हो चुके हैं। तो अग्रिम आदेश तक यहाँ पर रोक लग चुकी है।